हेलो एवरीवन, ड्रामे बास के साथ मैं हूँ माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं जी और मैं हूँ इब्राहिम। और आज हम बात कर रहे हैं खुदा और मोहब्बत सीजन 3 एपिसोड 3 की। खुदा और मोहब्बत इश्क हकीकी और इश्क मजाजी का जो इम्तिजाज है, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? इट वाज काइंड ऑफ स्लो, आई थिंक मुझे तो कोई खास डेवलपमेंट नहीं लगी है। सो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस, क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए थी थर्ड एपिसोड में? When I started watching it, तो मेरा एक काफ़ी predictable वो था कि you know, I just knew that but it's going to turn out. So maybe I'm just not that excited about it at this point. So Ibrahim, आपको कैसा लगा आज का episode? Episode स्लो थी काफ़ी। वो आई थिंक एक ही इंसिडेंट था कि घर से दुल्हन को छुप के लेके जाना, आई थिंक दैट वॉज द इंटायर एपिसोड, राइट? सो इट वॉज़ रियली स्लो और फिलर्स बहुत ज़्यादा थे। मैंने नोटिस किया कि वो ब्रेक से आने के बाद और जाते हुए वो टाइटल जो है वो पता नहीं, सो ऐसा लग रहा है कि वो पहले लोग कंप्लेन करते थे कि ड्रामा जब पॉपुलर हो जाता है तो उसको खींचते हैं एडिट टेबल पे। आई थिंक इसको प्लान ही प्रॉब्ली इन्होंने ऐसे किया है कि एक एपिसोड में छोटा सा वाक्या, सो दैट 30-36 एपिसोड इसको बना के प्लान करके इन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है। दैट्स व्हाट इट सीम्स लाइक। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द एपिसोड? एक्चुअली आज तीसरा एपिसोड है और शादी हम देख रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि इट्स मोर लाइक बॉलीवुड की कोई फिल्म जिसमें हीरो आ रहा है, वही गेंदे के फूलों की सारी डेकोर हो रही है, उसी तरह हीरोइन उड़ती 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 आ रही है, जिस तरह अक्सर औकात करीना कपूर आती हैं और जो चुलबुला सा रोल होता है तो उसमें ऐसी करीना दिखाई देती हैं, जिस तरह हमें इकरा अजीज नजर आ रही है, उन पे पहले भी फूल गिरे तो उनके जो हल्का सा बालों को पीछे झटकना, ये एक प्रॉपरली बॉलीवुड टू देयर क्रेडिट उन्होंने रेफरेंस भी कर दिया विद द 90s बॉलीवुड। वो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। उन्होंने रेफरेंस भी, आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग कि ये बहुत ही वो वाला हैंगओवर है क्यामत से क्यामत तक वाला। वो खासतौर पे वो जो प्लॉट बनाया उन्होंने लड़की को घर से भगाने वाला, और दूसरा हमें पता तो है कि ये वो ट्रेजिक रोमियो एंड जूलियट टाइप की स्टोरी जो है उस डायरेक्शन जा रहा है, व्हिच इज नॉट समथिंग दैट फर्स्ट पार्ट आई थिंक इट्स काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल। एक्चुअली अब मुझे तो लग रहा था कि जब मैं उसके सॉन्ग ही देख रही थी, ओएसटी में जो उसके सारी क्लिप्स जोड़े हैं उसी से पता चल रहा है, सारे पाकिस्तानी ड्रामास ऐसे ही उसी से पता है कि जो जिसको पसंद करता है उससे उसकी शादी नहीं होगी। बट इट्स खुदा और मोहब्बत, तो आपको अभी तक क्या लगा कि जो इश्क का रोल है वो इश्क हकीकी और जो इश्क मिजाजी है उसके बारे में आपको इश्क मिजाजी का क्या नज़र आया अभी तक? आपको लग रहा है कि बड़ा अट्रैक्टिव चीज़ है जो कि और ड्रामास में नहीं होती है, जो लव स्टोरी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो और ड्रामास में नहीं है, और है ही मोहब्बत बेस्ड ड्रामा। फर्स्ट एपिसोड में उन्होंने वो शुरू में वो पीर वाला एंगल सारा दिया था, विच ऑनेस्टली मतलब आई थिंक वो जो था कि पीर आता है वो प्रेमिनिशन दे रहा है, एंड आई थिंक वो फिरोज खान के लिए वो भी वैसे प्रेडिक्टेबल हो गया है। वो पहले भी एक दो ऐसे रोल्स कर चुके हैं जिसमें वो टिपिकल लाइक एग्रेसिव, अब वो रियल लाइफ में भी तो सूफीज्म की तरफ जरा ज्यादा इंक्लाइंड है, तो उनके लिए तो इट्स मोर लाइक अ नेचुरल थिंग। वैसे फिरोज आई हैव टू से आउट ऑफ क्या कहते हैं इस एपिसोड में भी लाइक वो जो उसका लव स्ट्रक वाला एक्सप्रेशन है, आई थिंक ही इज डिलीवरिंग एग्जैक्टली व्हाट ही इज बीन आस्क्ड टू डू, आई थिंक ही इज डूइंग अ डीसेंट जॉब। लेकिन वो जो स्पिरिचुअल एंगल आप कह रही हैं वो पहले और दूसरे एपिसोड में तो काफ़ी नज़र आया, इसमें भी वो थोड़ा सा नज़र आता है। वो जो पड़ोसन वाला कैरेक्टर है जो मोमिना यू नो, उसका वो एक प्रेमिनिशन सी दे रही है मुसलसल कि मेरा दिल बैठ रहा है, और यू नो सो दैट that aspect I think was uske andar nazar aa raha hai. Uske alawa mujhe nahi, I don't know ke spirituality writer ne kisi interview mein devdasiyat ke naam se usko wo kiya tha jo iski general vibe hai jo aani hai second half mein. I don't know ke main kitni spirituality inse expect kar sakta hu, jo it's going pretty shallow. Manu, you didn't say what you thought of the episode. एक्चुअली बेसिकली अगर देखा जाए, अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरू से दिखाया बड़ी पर्देदार सी फैमिली की ख्वातीन है, बहुत अपना फेस कवर करके जा रही है, लेकिन जब शादी की तकरीबात है उसमें उनका इतना ज्यादा मेल के साथ इंटरेक्शन है जो कि नॉर्मल हमारा नहीं होता। दैट्स समथिंग आई वाज नोटिसिंग एज वेल, सामने बैठ के ये जो इतना अजीब कैरेक्टर है, ये क्या आपको समझ में आता है? ये उसकी वो जो दुल्हन की माँ है उसको कहती है कि बेटा तुम भी, जब वो तीसरी बार इंसिस्ट कर रही है कि मैं ब्यूटी पार्लर लेके जाऊँ इसको, तो वो कह रही है कि बेटा तुम भी रिवायती। मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि ये लड़की जो है जो बुरके में आई थी शुरू में, ट्रेन से उतरी थी, और अब इसका छिछोरपन जो है वो मतलब यू नो आई
ऐसे कैरेक्टर्स आपको फिल्मों में और नाइनटीज की बॉलीवुड फिल्मों में, 80s 90s की, ये हीरोइन की साइड के होती है ऐसी छिछोरी लड़की, जो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर, आई एम क्यूरियस कि इसके पेरेंट्स कौन होंगे, कहाँ से ये आई है, क्योंकि एक चीज हमें इनिशियली बता दी गई थी बुरकों में और ये वो, कि अच्छा किसी ट्रेडिशनल बिल्कुल फैमिली गद्दी से है, नशीन वो बीच में मेंशन भी एक जगह कर रहे हैं कि और उनका आपको सारा जो वो दूसरा बॉय है जो भी यू नो इसकी जो वो टॉक्सिक पर्सोना है जो ये लोगों को फॉरन लड़ जाती है, वो भी बहुत इंप्रेस हुए, तो उसने जब डिगिंग कराई है तो वो भी कह रहे हैं कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत खानदानी लोग ही है वो, बिल्कुल लेकिन वो नजर जो है वो नहीं आ आपको रहा कोई, वो पहले वो अपनी जो फ्रेंड है उसकी, उसके फियांसे से फॉरन फ्लर्ट भी करने लग जाती है फोन के ऊपर, मतलब शी इज जस्ट लाइक एक्चुअली कंप्लीटली शी इज सेइंग शी इज डूइंग मास्टर्स, और जो ऑफ मास्टर्स द कर रही फिट्स. है एक स्टेबल फैमिली की लड़की है, व्हाट शी इज एक्चुअली डूइंग, ट्रेन के पीछे भागना शुरू हो गई, वो ट्रेन को देख के शी वाज सो एक्साइटेड इन द फर्स्ट एपिसोड, और अभी जो है शी इज फ्लर्टिंग, शी इज टॉकिंग टू अ मेल पर्सन, जो कि नॉर्मल नॉर्मल खानदान में भी नहीं होता, जब शादियां भी होती है वैसे भी जो रिश्तेदार होते हैं उनकी बड़ी नजर होती है, ये पता नहीं और कैसे गद्दी नशीन खानदान मतलब बिल्कुल सारा काफी हाथ नेगोशिएशन लॉन में सबके सामने, और वो रियलिस्टिक नहीं है, वो आप नहीं बाय करते फॉर अ सेकंड, पर वो कैरेक्टर जो है वो डज इट मेक सेंस टू डू यू गाइस अच्छा एट ऑल। इकरा अजीज के भी देखें तो जो इनके और ड्रामाज आ रहे हैं जिसमें ये एक अनपढ़ लड़की का रोल कर रही है, उसकी एक्टिंग और मुझे इसकी एक्टिंग सेम लगी है, इसमें कोई पर्सनालिटी में डिफरेंस एंड नहीं देन आया। यू जस्ट रिलेटेड टू सुनो चंदा मतलब एक exactly. वही मुझे मुझे खुद यही लगता है कि हर रोल लेकिन में कहीं उनका कहीं जो उनकी एक्टिंग है मुझे तो रकीब से वाली भी वो लगती है जिस तरह की वो हरकतें कर रही है वो सो सिमिलर, मुझे आई फाइंड हर कैरेक्टर्स वेरी सिमिलर नाउ आई चाहे जो भी हो गए सीन एक लाइन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स लेकिन रकीब से भी जब रकीब से मैं आई हैव टू से शी सॉर्ट ऑफ स्टक आउट अ लिटिल बिट क्योंकि वो परफॉर्मेंसेस इतनी स्ट्रांग हैं वहां मुझे लगा कि यू नो इन टर्म्स ऑफ टोनैलिटी इकरा हैज अ वेरी लाउड वॉइस और वो एक ही टोन के ऊपर आ रही होती है वो बेसिकली इट काइंड ऑफ बिट्रेस के आई थिंक आई मुझे ऐसा लगता है आई डोंट नो इट माइट बी फॉल्स बट ऐसा लगता है जैसे एक एक्टर जिसकी ज्यादा ट्रेनिंग ना हो थिएटर वगैरह में कोई बैकग्राउंड ऐसा सच ना हो विच इज फाइन एक्टर्स कैन कम फ्रॉम एनी ऑफ लाइफ लेकिन कोई ऐसा होम पर क्या वो नहीं आपको नजर आता वो बिल्कुल ऑन द सर्फेस परफॉर्मेंस होती है यहाँ पे भी वो ही परफॉर्मेंस नजर आ रही है लेकिन उस परफॉर्मेंस को असिस्ट करते हुए कोई डायरेक्शन भी ऐसा नहीं नजर आ रही है यू डोंट आई थिंक रकीब से इज वेरी वेल डायरेक्टेड ऑब्वियसली तो उस परफॉर्मेंस में कहीं कहीं कुछ एक नुआंस नजर आ रहा है ऑल्दो इट दैट दैट्स आल्सो टोनली काइंड ऑफ ऑफ यहाँ पे ये भी है और फिर underneath it I don't know what the character is on paper either because so multiple problems actually I'm confused kyunki ab hai khuda aur mohabbat हमने इसके पहले भी जो दो सीजन देखे उसमें यही था कि अगर अपर क्लास और लोअर क्लास की लोअर मोहब्बत क्लास के है बिल्कुल और तरीके ये से क्लास सेलफलेस बिल्कुल कर अच्छा देंगे दैट्स अ थीम दैट एग्जैक्टली लेकिन अभी यहाँ पे देखा जाए जब हमने देखा कि एक फाइनेंशियली स्टेबल लड़का किसी लड़की को पसंद कर रहा है ही इज लीविंग एवरीथिंग फॉर हर दैट्स इज समथिंग लव अभी देखा जाए तो इन्होंने ड्रामा के स्टार्ट में ही अट्रैक्शन दिखाई है मनी जिस तरह उसके दोस्त कहते हैं कि डिफेंस वाली लड़की खूबसूरत लड़की और वो जिस तरह हर बात में अपनी नेबर से कहते हैं तुम छोटे लोग आई डोंट नो हाउ राइटर वुड लिंक इट विद रियल लव किस तरह इसको और आई थिंक फर्स्ट लिंक किया सीजन के बाद एक्सपेक्टेशंस हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे बहुत ज्यादा है बिकॉज आई थिंक Exactly. That was pretty अभी strong. तीन एपिसोड तक उन्होंने अट्रैक्शन ही जो दिखाई है इकरा अजीज में वो सिर्फ उसके सोशल स्टेटस है फाइनेंशियल स्टेटस है उसका लेकिन इसको अब किस तरह मोहब्बत के साथ you bring up a very interesting point. मैं एक और चीज भी सोच रहा था इसी से कि वो जो क्लास डिवाइड है वो इतना ऑब्वियस है बहुत बड़ा क्लास डिवाइड है खासतौर पे ये जो लड़का है फरहाद इसके बाप ने किसी की सिफारिश से इसको लगाया है यहाँ पे और यू नो ये एक चीज़ ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि रिसेंटली एक फिल्म आई है सर के नाम से आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट इट इट्स डन रियली वेल इंटरनेशनली इट्स अबाउट सॉर्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक यूएस बेस्ड वो होता है मुंबई में मेरा ख्याल है फिल्म बेस्ड है यूएस बेस्ड एंटरप्रेन्योर होता है वो आके रह रहा होता है और उसकी मेड जो है तो यू नो इट्स सॉर्ट ऑफ शोज कि कितना यू नो देयर इज अ वॉल बेसिकली देयर इज अ डिवाइड तो वो वाली चीज जो है वो काफी एग्जिस्ट करती है हम वी ऑल हैव डोमेस्टिक हेल्प एट होम
तो वो एक बड़ा एक्लेयर सी चीज होती है जो यहाँ पे इकरा अजीज के कैरेक्टर और फिरोज खान के कैरेक्टर के लिए भी वो नहीं कि वो उसको तुम कर रहा है आके, और जब वो उसको लेके पिछले एपिसोड में अंदर ले आती है और उसको बिठाती है, तो वो यू नो someone in real life would retaliate a lot more and you know make exactly. it very clear लेकिन परेशान हो जाते हैं कहाँ लेके जा रहे हो, और वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ खाने का और मैं शावर लेता हूँ. उसके बाद फिर when he's standing with his boss, तो I like कि चलो जावेद शेख का character उन्होंने ऐसे दिखाया है कि वो एक नया employee, ऐसा भी नहीं है कि पुराना लड़का है, और मतलब वो फिर अगर आप एक बंदे को ट्रस्ट करते हैं, उसको एक रिस्पेक्ट देते हैं एक लेवल तक, तो इट मेक सेंस बिकॉज यू नो द पर्सन कि अच्छा ये ट्रांसग्रेस नहीं करेगा, नया लड़का है पहली बार आया किसी और के रेफरेंस से, और वो कमेंट कर रहा है कि इन्होंने मेरी बड़ी अच्छी खिदमत की, और फिर उसके साथ टू तड़ाक मतलब तुम दोनों कह रहे हैं, सो दैट शी इज ओके विद दैट, इट्स नॉट बिलीवेबल एट ऑल इज इट, मतलब लेकिन इन्होंने जो एक काफी इंटरेस्टिंग बात की, खुदा और मोहब्बत जिस तरह ऑफ कोर्स नाम है, तो जनरली आप जो मेल कैरेक्टर्स हैं उनको इस रोल टॉक्सिक रोल्स में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंड वेरी एरोगेंट, एंड तो जब वो अगर आप उनका रोल इस तरह देखेंगे सब कुछ छोड़ छाड़ के लड़की के पीछे जा रहे हैं, दरगाहों पे जा रहे हैं सारा कुछ, आई डोंट नो इट काइंड ऑफ अट्रैक्ट्स द ऑडियंस, बट इसमें क्योंकि डायनामिक डिफरेंट है तो आई डोंट नो इफ लाइक प्रीवियस राइटर्स इसको लिंक भी करेंगे या एज इट इज, या लोग उस तरह से उसको रिलेट करेंगे, बिकॉज़ बहुत एक अच्छा लगता है लोगों को कि अच्छा अमीर घर का लड़का भी सब कुछ छोड़ रहा है. आई हैव टू कन्फेस आई हैवंट सीन द उसमें बस सेकंड सीरीज, तो उसमें क्या है ये एक मतलब अच्छी तरह से एग्जीक्यूटेड था ये थीम के बहुत अच्छी तरह से था, एंड इवन उसमें जो बॉलीवुड टच है वो बिल्कुल नहीं था, हमारे कल्चर से रिलेटेड चीजें थी, जिस तरह एक मौलवी की बेटी होती है जिस तरह वही बात है कि वहां पे जो लड़का है उसको दिखाया हुआ है कि थोड़ा सोशली यू नो फाइनेंशियली बेहतर खानदान से, तो आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ मोर अट्रैक्टिव टू द ऑडियंस के वो लोगों को अच्छा लगता है वो. अभी मुझे इस ड्रामा में जरा ज्यादा बॉलीवुड टच नजर आ रहा है, इवन बहुत सी चीजों में, खासतौर पर जब मोहब्बत की बात करें, इस्लाम की बात करें, खुदा की बात करें, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ग्लैमर नज़र आ रहा है. हम अगर अपने ड्रामास में अपनी मूवीज़ में देखें तो हम ग्लैमर नहीं दिखाते जिस तरह दरगाहों पे जाया जाता है, तो हम उसी तरह दिखाते हैं जिस तरह ख़वातीन प्रॉपर कवर्ड होके जाती हैं और कोशिश करती हैं कि मेल इंटरेक्शन कम हो, क्योंकि एट द एंड हमारी सोसाइटी तो यही है, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर मूवीज़ की तरह दिखाया जिस तरह बॉलीवुड की मूवीज़ में अजमेर शरीफ में जाया जाता है उठा के सर पे, और इसके साथ साथ खुद जाके जिस तरह वो परोसते हैं ना उनके, एक होता है कि आपने प्रसाद देना है, तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ख़वातीन जो हैं वो खुद हर एक को जाके चावल दे, तो ये बड़ा ग्लैमरस सा एक चीज दिखा रहे हैं, और जो हमारे कल्चर में नहीं होता एक्चुअली, हमारी दरगाहों पे ये नहीं होता, वो कोशिश ये होती है कि मर्द ही जाके अगर करे. Maybe that explains the kind of views that it's getting, because I mean that मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन था कि ये जो इतना ट्रेंड कर रहा है, इतने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, आई थिंक लास्ट एपिसोड पे 15 थे. So, where do you think, what do you think that audience is, and where is that audience coming from? Do you think that's mostly? I think काफी सारी fan base तो previous season से है, जैसा मैंने बात की है कि वो एक लड़का जरा high class family से, जब वो लोगों को attract करता है, you know. और खास तौर पे फिरोज खान के अगर personal level पे देखा जाए fans बहुत ज़्यादा. और फिर फिरोज खान ने एक काफी similar role खानी में किया है कि वो you know completely change हो जाता है. कुछ तो मुझे लगता है इसके song की attraction से आए, जो गाना है बहुत अच्छा. OST बहुत अच्छा, उसकी attraction से भी आए, but still हमारे ड्रामा में ना बहुत ग्लैमर है जिस तरह इंडियन मूवीज में होता है, और वो बहुत लोगों को उनकी अटेंशन को कैप्चर करते हैं, तो आई थिंक इसमें इंडियन मूवीज में यहाँ लोग देखते हैं, तो इट्स समथिंग दैट पीपल काइंड ऑफ आई डोंट नो, जो दिखता है वो बिकता है, जो बिक रहा है एक्चुअली दैट इज द डिमांड ऑफ पीपल, वही डिमांड है, लोग देखना चाहते हैं, वही बड़े बड़े घरों में जो शादी की तकरीबात हो रही होती है, वही गेंदे के फूल, इवन ये अगर येलो फ्लावर्स देखा जाए तो ये हमारे इतने ज्यादा पसंद है. आई थिंक शादियां तो काफी सिमिलर है वैसे, कल्चर वाइज तो सिमिलैरिटी है इंडिया पाकिस्तान में, मतलब द वे वी सेलिब्रेट आवर शादियां है बिग डील इधर. इन्होंने एक बहुत एलीट कल्चर दिखाया है कि कवाली नाइट, ये भी हमारे यहाँ काफी पॉपुलर हो गई, इससे पहले नहीं था, लेकिन जिस तरह वो दिखाते हैं कि वो एक बहुत ज्यादा रिलीजियस फैमिली के हैं, तो वहाँ और सामने बैठ के सब चल रहा है, आंटी कहती है ना एक दो बार कि हम तो शहर में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन सोच वही है. Well, I think अभी अभी shift हुए हैं, लग नहीं रहा. They look very well adjusted, लेकिन you know के insist कर रही हैं कि वो अभी shift हुए हैं और काफी वो है उन्हें. लेकिन I think वो जो आप point out कर रही हैं, I've also noticed this. I think वो एक
एस्केपिस्ट काइंड ऑफ वो है लोगों को, कि ऑडियंस जो है वो उनको एक्सपीरियंस कराया जाए कि वो शादी और कपड़े और यू नो क्या कहते हैं, इट्स द ऑपोजिट ऑफ पॉवर्टी. अच्छा, हैव यू नोटिस्ड कि अगर देखा जाए तो हमारे ड्रामास में जब खवातीन को तैयार किया जाता है तो बड़ा नेचुरल मेकअप किया जाता है और यही हमारा प्लस पॉइंट है. लेकिन अब अगर आप इकरा अजीज की जो हेयर एक्सटेंशन है या जो उसका मेकअप है या जिस तरह वो घर में भी बहुत तैयार हुई हुई और बड़ी थिक हेयर एक्सटेंशन उसने लगाई है, डिपेंड्स अ बिट यू नो अट्रैक्टिव. और वो भी चीजें ऐसी हैं जो कि हम बॉलीवुड से ही ले रहे हैं. आप अगर जियो के ड्रामास के अलावा अगर आप ARY के ड्रामास देखें तो उसमें ये सब चीजें नहीं है, इवन हम के ड्रामास में नहीं है, लेकिन जियो में बहुत ज्यादा दिखाया है. कैरेक्टर उन्होंने शैलो दिखाया भी काफी है, वो पहले एपिसोड में जोड़े के ऊपर वो कभी उसका वो होता है उसकी कि मैं अपनी दोस्त की उस पे बैठूंगी निमाई में, तो यू नो वो चीज इतना मेरे लिए ज्यादा यू नो उसका जो इट जो उसके मोरल डिलेमास जो हैं वो अब द फैक्ट शी द वे शी इज मैनिपुलेटिंग हिम एग्जैक्टली दैट्स प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ऑल्टोगेदर. यू नो शरबत दे रही है तो वो लगता है कि अच्छा शी इज अपोलोजाइजिंग, इट टर्न्स आउट कि उस आगे से प्लानिंग करी है कि जरूरत के वक्त तो क्या करना चाहिए. और वो पूरा सिनेरियो जो है वो उसमें भी मतलब वो उसके फियांसे जिससे शादी हो रही है उसकी बर्थडे है, तो एनी सेंसिबल पर्सन वुड से कि अच्छा इफ ही वांट्स यू नो ही कैन कम और यू नो कोई अल्टरनेटिव इससे सजेस्ट करें. उस सब में भी लग रहा था कि वो जिस लड़की की शादी है उससे ज्यादा इसको शौक है कि कुछ टेढ़ा काम हो. दिस गर्ल इज नट्स. मतलब इफ यू लुक एट हर यू नो शी एक तो पहले जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी वो पिछले एपिसोड में उसको देखती है तो वो हाथ से पकड़ के घर में आके उसको बिठा देती है, फिर शी थ्रोस हिम आउट, डजंट आस्क हिम लाइक व्हाट ही इज डूइंग, शी थिंक्स दैट समबडी यू नो वॉकिंग ऑफ द रोड केम इनटू द सो देयर इज नो ब्रेन आइदर, शी इज जस्ट कोस्टिंग ऑन लुक्स दिस गर्ल. लेकिन इन्होंने जो पॉइंट पर्टिकुलरली पॉइंट आउट किया आई थिंक इट रिलेट्स टू योर पॉइंट जो आपने पहले बात की शादियां इतनी ग्लैमरस और इतनी वो कि वो इतना तैयार तैयार कैरेक्टर दिखाया हुआ, तो आई थिंक वो भी एक वो क्लास वो शो ही करते हैं कि आप देखेंगे थोड़ा सा अगर दिखाएं कि यू नो फाइनेंशियली वीक फैमिली है तो उनकी हालत भी इसी तरीके चादरें की होंगी, बिल्कुल एक रॉ टाइप. और अगर आप थोड़ा सा दिखाएंगे फाइनेंशियली बेहतर होता चाहते लाइक वेरी दैट्स अ न्यू ट्रेंड. अगर हमारे यहाँ पे दिखाया भी जाता था ना बड़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो बड़ा सटल सा मेकअप होता था, बड़ी लाइट सी पर्सनैलिटी और ये सारी चीजें नहीं दिखाई जाती है. वो जब आप उनको देखते हैं तो वो फुल मेकअप हेयर में होते हैं और उन्होंने कोई शादी वाला जोड़ा बैठ पाया है, पर उस सीन के एंड पे वो कहते हैं कि चलो तैयार हो जाओ, विच आई डोंट अंडरस्टैंड. तो वो एक है, लेकिन जो एक चीज जो है वो जो रिच वाला हाउस होल्ड है वो फिर थोड़ा लिव्ड इन लगता है. इस एपिसोड में हमने वो जो पुअर हाउस होल्ड है उसको इतना वो नहीं देखा, लेकिन एक तो वो हवेली है कोई, राइट, दीस पीपल आर सपोज टू बी रियली पुअर. एक मतलब वो जो तीन बड़े बहन भाई हैं जिनमें वो बड़ा 40 साल का मेरा ख्याल है और यू नो वो एक कमरे में रहते हैं, आई कुडंट फिगर आउट देयर एजेस. यू नो देयर्स दैट सीन इन द लास्ट एपिसोड जब वो फरहाद जो है वो घर से निकल रहा होता है और वो अपनी बहन को कह रहा होता है. हाँ, और उसका वो बड़ा भाई जो है वो लाइक जेन्युइनली दैट गाय इज डेफिनेटली 40, राइट, ही इज सो टेरिफाइड दैट द फादर इज गोइंग टू स्कोल्ड हिम और फिर वो दोनों यूं कह के कोलैप्स कर जाते हैं. डिड यू सी दैट वो जब वो उनका बाप अंदर आता है और वो क्वेश्चन करता है एंड दे प्रिटेंड दैट फरहाद स्लीपिंग एंड समहाउ डिस्ट्रैक्ट हिम एंड ही वॉक्स आउट, दे बोथ सॉर्ट ऑफ साइन आउट एंड बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली फॉल. दैट वाज सो सिली, लाइक यू नो आई वाज लाइक व्हाट एज आर दीस पीपल. बट अभी वो जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं उनसे बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि अच्छा ये कौन सा इनकम लेवल है, उनकी सारी वो कंसर्न्स हैं. एक तो दैट हाउस डजंट लुक लिव्ड इन, इट डजंट लुक लाइक दिस फैमिली एक्चुअली लिव्स हियर. बड़ा क्लियर सा नजर आता है कि अच्छा ये प्ले एक्टिंग हो रही है सीन के लिए, कोई डिजर्टेड हवेली है जहाँ पे ये वो करें. बट देन व्हाट हैपेंस टू फरहाद आफ्टर वर्किंग 2 days एट दिस हाउस, ऑल ऑफ अ सडन उसने बाप को 10,000 रुपए ला के दिए हैं कि पता नहीं 5,000 रुपए के कितने, 10,000 दिन के, उसने लाइक ही इज गॉट न्यू वर्कआउट क्लोथ्स, व्हाट इज हैपनिंग लाइक एंड वर्कआउट इक्विपमेंट, इक्विपमेंट भी वो इक्विपमेंट पहले सीन में भी वहां पे पड़ा हुआ था जो सो आई अच्छा वो उसके बड़े भाई का इक्विपमेंट था.
क्योंकि वो कर रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो तभी वो उसे कह रहा है एंगल नहीं पता एंगल क्या है उसका. लेकिन वो क्या, आर दे पेइंग हिम रियली रियली वेल, मतलब कोई मतलब 5,000 एक दिन, लेकिन 5 या 10,000 उन्होंने कहा कि आपका जो है आपकी तनख्वाह है, सो 10,000 इज आई थिंक बहुत कम है जिसमें इतना ज्यादा आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए. दो दिन 10,000 उसने रखा है, कुछ पास भी तो रखा होगा उसकी शॉपिंग अलहदा और जो नहीं खर्च किया. ये हो सकता है बट व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस के अगले एपिसोड में, जिस तरह हम बड़े एक्साइटेड होते हैं ना नेक्स्ट एपिसोड का, जैसे टीजर आता है अब आगे. गोइंग बाय दिस तो मैं गेस कि मुझे लगता है नैप का छापा पड़ सकता है, बिकॉज़ ही इज दैट लोडेड, तो कुछ गड़बड़ है. दैट हाउस ही इज पेइंग एम्प्लॉइज आई डोंट नो 25,000 30,000 पर डे और समथिंग. Something is, I think they're in the drug trade or something. So what are your expectations? I didn't have much expectations starting off पहले भी. तो आई थिंक जो आपका टीजर है उससे काफी कुछ आएगा, ऐसा आइडिया हो रहा है कि अगले एपिसोड में क्या होगा और किस तरीके से. मुझे लग रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी रेटिंग बहुत कम हो जाएगी. शुरू में हम बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं तमाम चीजों से, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल रियलाइज कि क्या है. कोई स्टोरी लाइन मुझे नहीं सही समझ आ रही. एक ओवर आई थिंक वो जो फर्स्ट आप जिसको आप पसंद करते हो उससे आपकी शादी नहीं होनी और एट द एंड आपने किसी दरबार पे बैठ जाना. और वो हां आई थिंक वो फर्स्ट पार्ट के बाद जैसे भी प्रेडिक्टेबल हो गया. और फर्स्ट में शायद वो ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए था बिकॉज वो एक मर्द को इसमें स्पेसिफिकली दिखाया गया कि सब कुछ छोड़ के आ रहा है. तो आई डोंट नो वो सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन मर भी जाती है. आप देखिए इसमें क्या होता है, बिकॉज इसमें तो प्रॉपर्टी सॉरी दिखाया कि इसकी शादी भी किसी और से हो जाएगी, फिर जो पड़ोसन है उसकी शादी भी किसी और से हो जाएगी, वो भी अपनी मेहंदी पे रोती हुई दिखाई है. सो एवरीवन विल बी सैड एट द एंड. सो यही तो सो इन देवदास टाइप का ही सीन है इसका. लेकिन आई डोंट नो, पाकिस्तानी ऑडियंस यूजुअली जो ड्रामों का बेसिकली ये वो है कि वो आपको एक बार पकड़ लेते हैं तो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू लीव द हाउस और पे टू सी इट. वो आ ही रहा होता है राइट. सो जितना फेमिलियरिटी ऑडियंस की बढ़ती है उतना व्यूअरशिप ऊपर ही जाती है. एंड दूसरी चीज मैं ये देख रहा था कि मुझे ऑनेस्टली कोई एक एपिसोड इसकी देखना काफी मुझे पेनफुल लगता है. मैंने आई थिंक कोई 1.52 की स्पीड पे आई सॉ बिकॉज इट्स सो स्लो एंड प्रेडिक्टेबल. यू आर कह रही थी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो इतना ऑब्वियस है कि अच्छा ये फॉरबिडन लव वाला वो है. I honestly, that's not something that मुझे कभी समझ नहीं आती ये रोमियो एंड जूलियट स्टाइल के वो जो होते हैं. They always show the kids from conservative families exactly. who for some reason don't know their boundaries. मतलब in real life that doesn't. वो बाद में जो आपको पहाड़ टूटने होते हैं आपके ऊपर जो होता है इस तरह के ड्रामों में यही होता है, जुल्म की इंतहा होनी होती है. फिर वो फॉर सम रीजन इन कैरेक्टर्स को नहीं पता होता कि किस तरह की. अभी फरहाद जो है उसको he has no sense of he thinks that he's going to be you know consequences completely wrong. And he's been matlab usko ye bhi nahi hai ki yahan main mera baap jisse main itna darta hu aur maar bhi khata hu uske reference se main kya kar raha hu aur main kya kar raha hu. To wo jo hai wo matlab all smitten and you know wo pata nahi kis line ke upar laga hua. And the girl I think I've said enough about that character. Ek cheez ki curiosity hai ki ek jo ladka ruka hua hai iske liye Bahawalpur mein aur wo pata karwa raha hai ki kab jayegi aur kab sab cheez hogi, jo uska song dekhe shaadi uski us ladke se nahi hogi uske bade bhai se hogi. So, इस चीज की क्यूरियोसिटी है कि कैसे होगी. उसी के साथ रोती हुई जाती हुई शादी होते हुए रुखसत होते हुए दिखाया. उसको पीर ने बता दिया था ना वो जब कि तुम्हारा सफर अब स्टार्ट हुआ खत्म पता नहीं. उसको कहता है कि तुम्हें you're so wealthy you will have to pay sushi, this woman this girl's going to arrive in our house so she will obviously pay a big price you know for क्या कहते हैं. But that's interesting. मुझे ये आप बताएं कि ये जो क्या कहते हैं वो दूसरा बॉय आपने कहा वो भी स्मिटन हो गया है, ये वाला भी स्मिटन हो गया है, तो ये क्या आपके एक्सपीरियंस में दिस हैपेंस इन रियल लाइफ कि आप किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उसको धक्के शक्के मारे तो लोग इंप्रेस हो जाते हैं बॉर्डर लाइन. आई डोंट नो ये मतलब क्या दिखा रहे हैं. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. अब मुझे तो इस ये ड्रामा रियल लाइफ से हर इस चीज इस ड्रामे के हर एस्पेक्ट जो है ना वो रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट लगे. हर चीज जिस तरह आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं, जिन चीजों पे किसी को गुस्सा आ रहा है, जिस तरह वो अपनी नेबर को कह रहा होता है जाओ यहाँ से, या एक एक उसका बड़ा मुझे अजीब सा लगा, इट वाज अ बिट यू नो आई थिंक रूड, कि एक जगह पे फिरोज खान ने अपना जूता उतार के यूं दिखाया और वो लड़की पीछे हो गई है.
ये हम अपने ड्रामास में दिखा रहे हैं, एक जगह हम ये दिखा रहे हैं कि खवातीन को जो है वो बड़े राइट्स मिलने चाहिए, हम बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं, एक जगह हम ड्रामा में दिखा रहे हैं कि एक मर्द जूता दिखाता है और लड़की पीछे हो जाती है। वैसे अगर कोई स्मोकिंग कर रहा हो तो नीचे लिखा आ जाता है ना कि स्मोकिंग किल्स, तो ये वाली चीजें नहीं लिखी आती, डोंट ट्राई इट एट होम। तो इस तरह की आई थिंक द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि वो कहां थी उस वक्त, क्योंकि वो कोट यू नो दैट कैरेक्टर फिरोज खान कैरेक्टर, वो के उसको कहते हैं तो मैं यहाँ पे टंगी होती हूँ, तो वाकई दीवार पे टंगी होती है। और इस एपिसोड में जब वो जा रहा होता है तो सड़क के बीच में टंगी होती है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट वो लड़की भी काफी ऑब्सेसिव है। अच्छा, जिस तरह आपने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया ना, ऑब्सेशन, प्यार नहीं नजर आया, ऑब्सेशन नजर आ रहा है यहाँ पे अभी तक चीजों से। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज़ वो जो बॉय है, वो बाय द वे जो उसकी समझ नहीं आती कि उसका बैग पिछले एपिसोड में कैसे मिक्सअप होता है, क्योंकि ये लोग एक बोगी से निकलते हैं और फिर ये जो इनकी खाला होती है साथ, वो कहती है कि मैंने खुद इसको बैग दिया है कुली को जो अंदर से आ रहा होता है, और फिर वो लड़का जो है वो वहां के पीछे से बैग लेके आ रहा होता है, एंड शी स्पॉट्स हिम, और फिर जो इसकी आदत होती है लान तान करने की, जो कि बहुत अट्रैक्टिव, आई मीन आई डोंट नो ये क्या इसमें अट्रैक्शन दिखाते हैं एक्चुअली। अब हमारी सोसाइटी में अगर कोई भी खातून ऐसे बोले ना, तो ऐसी लड़ाई हो जाए कि फिर रोकना पड़े लोगों को कि इनको रॉन्ग, मतलब नॉर्मल आप क्यों कैसे कन्वर्स कर, स्पेशल काइंड ऑफ चार्म जब वो लान तान करती है लोगों पे, वही बात खासतौर पे व्हेन शी एक्यूजेस समवन ऑफ बीइंग अ थीफ, कैसे मतलब समथिंग की आई थिंक वो सोनू चंदा वाला जो उनका टिपिकल रो, वो हर किसी में मुझे तो लगता है, मतलब वो टिपिकल ना बहुत ज़्यादा वेरी लाउड और इस तरह से स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेज, और वो उनके हर कैरेक्टर समहाउ इट ट्रांसलेट्स टू दैट, एंड दैट्स समथिंग दैट्स वेरी रिपीटेटिव। अच्छा, फिर समटाइम्स ये भी होता है कि कैरेक्टर डिफरेंट है बट वो आर्टिस्ट निकल ही नहीं रहा रोल से। हाँ, मुझे आई फाइंड दिस विद इकरा, बिकॉज़ क्योंकि सोनू चंदा वाज अ ह्यूज सक्सेस ऑफ कोर्स, तो any sort of training or experience beforehand, तो होता ये है कि उनका जो पहला रोल है उसके लिए जो उनको प्रेपरेशन उनकी होती है, इट बिकम्स इंटरट्वाइंड विद देयर एक्टिंग प्रोसेस, सो द डायरेक्टर माइट बी प्रिपेयरिंग देम टू प्ले अ सर्टन रोल, बट टू देम दैट बिकम्स एक्टिंग। अब दैट्स अंडरस्टैंडेबल, दैट कैन हैपन टू एनी वन, बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस एज ऑफ यू नो सोशल स्टारडम एंड वट नॉट सोशल मीडिया स्टारडम, आई थिंक अ लॉट ऑफ आजकल के जो हमारे टीवी स्टार्स हैं ना, पहले ये नहीं होता था, अभी ये कि लीड में जो है वो स्टार है, राइट? सो ये जो जब आप उस पे आ जाते हैं जहाँ आपके इंस्टाग्राम पे व्यूज भी हैं और आपकी बिलिंग है कि अच्छा आपका यू नो आपका पोस्टर बिकता है, तो माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट दीज एक्टर्स देन सम एक्टर्स डोंट इवन अलाउ डायरेक्टर्स टू डायरेक्ट देम प्रॉपरली, वो आपको परफॉर्मेंस में नजर आ जाएगा। Not that the direction on this serial is very impressive. There isn't any attention to detail at all. Lekin I think Ikra really, I think, needs to show now that she can tackle different characters. Diversity. Tone, like, you know, wo jo poster ki tone tragedy wali nazar aa rahi hai, wo abhi tak nahi aa rahi. Exactly. You know, बहुत वो सोर्ट ऑफ कॉमेडी वाले उसमें चल रहा है, क्योंकि वही जिस तरह झूठी का था असल में कुछ और था और पोस्टर में कुछ और था मास्क उतार के, सो इट सीम्स लाइक दैट, इट सीम्स लाइक दैट। आई मीन इट्स अ रिवील, लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हु आर द पेरेंट्स दैट रेज्ड दिस गर्ल, यू नो व्हाट द अदर फैमिली मेंबर्स लुक लाइक, दैट्स डेफिनेटली समथिंग दैट आई, and I think that will be interesting to see as well, कि जब वापस वो जाती है तो कितना different है उसकी ज़िंदगी than what it was here। मुझे लग सकता है कि ये वो पापा की princess type का scene। अच्छा, उसको दिखाया वो भी है पापा की princess type, लेकिन जब मैं उसका OST देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि शायद जो उसका बड़ा भाई है वो जो है उसके सामने गन करता है कि like अब तुम नहीं बाहर जा सकती या शादी के लिए रोक रहा होता है, she was crying, तो वहाँ पे नहीं थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल मुझे नजर आया कि क्या होगा आगे, थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये अट्रैक्शन पैदा करेंगी आगे ड्रामा में, अदरवाइज तो सारी चीजें ऑब्वियस हैं। मानो आई थिंक यू कॉल्ड इट व्हेन यू सेड वो बॉलीवुड हैंगओवर है, वो पहले बबली गर्ल है और
उसके बाद बहुत ही ज्यादा ट्रेजेडी और जमाना जो है वो जस्ट लाइक गीत फ्रॉम जब वी मेट जस्ट लाइक गीत फ्रॉम जब वी मेट यस बट ओह दैट्स यू नो द थिंग इज आई थिंक सो मेनी पीपल व्हेन दे यू वांट टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तो दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एग्जैक्टली गीत फ्रॉम जब वी मेट और उस तरह का कैरेक्टर उससे पहले भी आपको नजर आता आई थिंक दैट इज वेरी वेल डन जो उसको आप फॉर सम रीजन आई थिंक इट्स गुड राइटिंग गुड डायरेक्शन आई सॉ जब वी मेट वेरी रिसेंटली You believe that girl. आप believe करते हैं कि ये है actually और वो भी एक arc से गुजरती है और वो when she becomes completely quiet that has that it is so impactful because you know what she's actually like. This is not you know this is not believable on exactly. On because of course वही expectations हैं वो जिस तरह की कह रही हैं कि रोता धोता You just see a very different contrast there. But खैर, I think audience भी पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए हमें क्या आपको इकरा अजीज का character जिसका नाम मुझे याद नहीं है माही वो believable लग रहा है आपको और आपको लग रहा है कि इकरा अभी तक जो हम देख रहे हैं तो वो कुछ different play कर रही है कुछ different effort नजर आ रही है नहीं और दूसरा ये कि आप क्यों देख रहे हैं क्या That is something I'm very curious about, genuinely, क्योंकि I find it very predictable. तो क्यों देख रहे हैं लोग? Actually, ये तो आज हमने review दिया. आप लोगों के क्या reviews हैं? ये आप हमें बता सकते हैं comment section में लिख के कि आप लोग क्यों देख रहे हैं drama और खास तौर पे इस drama में ऐसे क्या attractive है जो कि आपको कहता है कि बस आप कुछ better देखेंगे. On that note, I think हम लोगों ने मैंने काफी criticize भी कर लिया, but some things I do want to point out. एक तो visuals I think are very nice. You know, visually, like, आप वो जो घर के वाले scenes हैं और वो सारे, you don't get bored because there's so many pretty things to look at. And Ikra's wardrobe. Yeah. I love what she's wearing, honestly. So, Firoz, I already mentioned, I think his performance is believable. I buy that character more or less, although I have a problem with him not knowing his boundaries. उसके अलावा वसीम अब्बास साहब एंड अस्मा अब्बास, their performances I think are decent. I think they stand out because they're so they're believable as opposed to the characters. जो बाकी you know कुछ casting और वो है जो फरहाद का भाई है बड़ा वो मुझे I was very confused in the first two episodes about their ages. But these are some things that stood out for me. What about you guys? What are some things that आई थिंक पॉजिटिविटी तो हमने बता दिया बाकी हमारी अगर ऑडियंस बताए तो दैट वुड बी ग्रेट आई थिंक इकरार की जो पर्टिकुलर कैरेक्टर डेवलपमेंट होगी इट विल बी समथिंग दैट विल बी इंटरेस्टिंग मेहरबानो आई थिंक वाज आल्सो आई सॉर्ट ऑफ एंजॉयड वाचिंग हर इन दिस सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो गोए आई फाइंड हर स्टबर्न वो भी उसी की तरह ही कुछ जगह पे एक्ट करती है मतलब क्योंकि दोनों दोस्त हैं ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ इनकी जिस तरह की नेचर होगी बट स्टिल कुछ जगह पे जिस तरह स्टार्टिंग में मुझे लगा कि इकरा वाज मोर डोमिनेंट और ये इतनी डोमिनेंट नहीं थी इकरा का दुपट्टा नहीं मिल रहा था शी वाज कन्विंसिंग हर और अब जो है शी इज एंड एक्चुअली जब उसने मेहरबानों की फियांसे के साथ फ्लर्ट किया द वे शी वाज रिएक्टिंग दैट वाज I must call it overacting. कि आज के बाद मुझसे बात नहीं करना and you are flirt, you are cheat and all these things. That scene was kind of off actually. Yeah, that scene was very. अगर real life में हो शादी से दो दिन पहले इस तरह की लड़ाई तो my god. फिर से real life में Bollywood drama होता है वो बनते हैं. लेकिन होते हैं फिर. कुछ चीजें हैं I think the fillers जो हैं कुछ बड़े extra हैं. I think वो surface पे खेल रहे हैं और वो audience देख रही है. Who do you think the audience is? अगर हम profile करें तो what do you think किस age के लोग देख रहे हैं किस 18 to I think 28 yeah youngsters मेरे हाल में सभी देख रहे हैं I think the viewership says and specifically जो previous season की fan base है particularly I think they'll be interested in knowing that because लोगों की expectations काफी ज़्यादा हैं और फिर फिरोज और इकरा दे एंजॉय अ सर्टेन पॉपुलैरिटी एज वेल सो कास्ट आई थिंक इज प्रीटी स्टार स्टडेड देखा जाए तो आई थिंक आई फील लाइक यू नो जो ऑडियंस देख रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ किड्स वाचिंग एज वेल दे आर गेटिंग यू नो सॉर्ट ऑफ ऑल आई एम श्योर इकरा एंड फिरोज आल्सो हैव एंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर थीम ये इश्क मजाजी और इश्क हकीकी का इट हैज बीन अ सक्सेस इन द पास्ट एज वेल चाहे इसके आप फर्स्ट देखने से अलावा माहिरा खान का भी
जो आया था, इसके अलावा शहरेज़ाद शहरेज़ाद एग्जैक्टली, फिर खानी में भी एंड पे थोड़ा सा वो दिखाया था, तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट पीपल एंजॉय हियर सो एक्चुअली. लेकिन मुझे बहुत से ड्रामास में लगा कि जो हम टॉपिक होता है ना उससे बड़े जो है वो हट जाते हैं, अगर इश्क हकीकी भी है या इश्क मिजाजी भी है तो बेसिकली दिखाया नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा. आई थिंक फर्स्ट ही एपिसोड थोड़ी जल्दी है इस चीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए, वी विल हैव टू वेट आई थिंक लंबा चल, क्योंकि जिस तरह वो ड्रैग कर इट सीम्स के इट वुड बी अ सो लाइक एक बात बताएं, बल्कि आई वुड लाइक टू नो बोथ ऑफ योर क्या कहते हैं इनपुट ऑन दिस. ये 9 बजे 8 बजे आता है नॉर्मली ड्रामा जो है घर पे आप देख रहे होते हैं, खाने का टाइम होता है, द होल फैमिली इज देयर, काफ़ी रोमांटिक किसका वाइब है काफ़ी, यू नो ऑब्वियसली यू नो जब आप अकेले देख रहे होते हैं अपने एज मेट्स के साथ देख रहे होते हैं तो आपको इतना नहीं फील होता, लेकिन वो जो यू नो दोज वूमेन्स एंड लुकिंग इनटू ईच अदर्स आईज एंड वो सारा वो जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है काफ़ी व्हेन यू आर सिटिंग विद योर क्योंकि स्टिल हमें ये लग रहा होता है कि ठीक है इट्स अ ड्रामा बट वो पेरेंट्स हमारे किंग और लिंक कर रहे होते हैं समथिंग, क्योंकि हर ड्रामे में आता ही है नजर समहा, तो आई थिंक सर्टेन एक्सेप्टेबिलिटी वैसे भी बन गई है उस चीज की. पर यहां की रोमांस बहुत अभी तक वो स्पिरिचुअल एंगल तो ऐसा सच नहीं है कुछ, आई थिंक वो स्पिरिचुअल एंगल एक्सप्लोर भी ये रोमांस के पर्सपेक्टिव से ही होना है, सो इट्स वेरी यू नो रोमांस थीम्ड. तो यू थिंक पीपल आर वॉचिंग दिस विद देयर फैमिलीज विद देयर किड्स एंड दिस इज You know, ये, this is an interesting question. I think actually 8 से 9 बजे की टाइमिंग्स हैं और ज्यादातर जो कभी फ्राइडे फादर्स होते हैं ना वो आते हैं. Tell us, you watch this with your family and is it a comfortable watch या किस तरह से देखते हैं आप लोग, बताएं हमें. अच्छा एक्चुअली होता ये है कि पेरेंट्स जो फादर्स खास तौर पे आते हैं 9 बजे की न्यूज देखने के लिए लॉन्च पे, तो उससे पहले पहले जो है बच्चे देख रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ कुकिंग कर रहे होते हैं तो हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल अब देखा जाए तो ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, यूट्यूब पे देख रहे होते हैं अपने अपने रूम्स पे अपने फैमिलीज के साथ देखने का जरा सेटअप अब वैसा रहा नहीं अब रहा नहीं है, साथ में अपने अपने अलग अलग देख रहे होते हैं और प्रेफरेंस भी यही होती है, इंजॉय कर सकते हैं हर सीन को हर चीज को और समझ भी सकते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ तो समटाइम्स हमें उठ के जाना पड़ता है कोई ऐसा सीन हो जाए तो वो फिर वो कहते ना आपका वो टेम्पो टूट जाता है. अच्छा दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट कुड मीन दैट यू नो मोर पीपल कुड बी वॉचिंग इट ऑनलाइन देन That explains the viewership on, I guess, YouTube पे particularly. That's so, also, the audience can ultimately give us the answer to that. But I do want to mention के I think production quality as well, content is actually better than a lot. I mean, you know, हम judge कर रहे हैं, obviously. You know, काफी middle of the road है, production quality काफी बेहतर है, story भी it's not exactly the same as every other serial, but it's definitely not as good as some of the it's not better content on TV. Any shout outs you'd like to give to dramas that are better? I like Rakib se. हम पहले बात कर रहे थे that time. Rakib se, Dunk. Dunk is a very good. Storyline. I have a lot of opinions on that one. That's it. आज के ड्रामेबाज से इतनी ही ड्रामेबाजी, एक नए ड्रामेबाज एपिसोड के साथ आएंगे और किसी एक नए ड्रामा के बारे में बात करेंगे, क्या पता खुदा और मोहब्बत के बारे में दोबारा बात करें, देखते हैं कि वो हमें कितना अट्रैक्ट करता है या नहीं. सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय.